हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के बच्चों को झटका दे दिया है। जी हां, हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को जो टैबलेट दिए गए थे वो उन्हें वापस स्कूल को लौटाने होंगे। इस निर्देश के बाद खास तौर से उन बच्चों को ज्यादा झटका लगा है जो ये सोच रहे थे कि एग्जाम के बाद वो टैबलेट पे खूब गेमिंग करेंगे। लेकिन बच्चों, आपको बता दें कि सरकार ने आपको ये टैबलेट पढ़ने के लिए दिए थे, ना कि गेमिंग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा विभाग ने इस बाबत निर्देश स्कूलों को जारी कर दिए हैं और खास बात यह है कि छात्रों के साथ साथ स्कूलों को भी इस SOP का पालन करना। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस मामले में लेटर जारी कर दिया है। अब बात आती है कि आखिरकार इस लेटर में है क्या। तो वही हरियाणा शिक्षा विभाग ने लेटर में लिखा है कि ई अधिनियम के तहत 10वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट और डाटा सिम बांटी गई थी। छात्रों को टैबलेट लाइब्रेरी व्यवस्था के तहत दिए गए थे, जिसका मतलब है कि टैबलेट स्कूल की संपत्ति है। यही कारण है कि स्टूडेंट को स्कूल छोड़ने या फिर बदलने की कंडीशन में टैबलेट लाइब्रेरी को लौटाना होगा। अब बात करते हैं कि आखिरकार शिक्षा विभाग की SOP किस पर लागू होगी। दरअसल ये व्यवस्था उन छात्रों पर लागू होगी जो हाई स्कूल में 10वीं में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मौजूदा स्कूल से आगे की पढ़ाई के लिए किसी दूसरे स्कूल में जाना ही है, इसलिए उन्हें ये टैबलेट स्कूल में जमा करवाने होंगे। दूसरा, 12वीं के बच्चों को भी परीक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल छोड़ना होगा, ऐसे में उन्हें भी टैबलेट स्कूल में जमा करवाना होगा। बड़ी बात यह भी है कि छात्रों को अपना बोर्ड का रोल नंबर तभी मिलेगा जब छात्र ये टैबलेट, सिम, चार्जर और टैबलेट के साथ मिला सामान स्कूल में जमा करवाएंगे। टैबलेट जमा करवाते वक्त अगर किसी छात्र के पास टैबलेट बॉक्स नहीं है तो ये स्कूल प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि टैबलेट के पीछे उसका IMEI नंबर परमानेंट मार्कर के साथ लिखा जाए। बहरहाल सरकार की ये सोच भी हो सकती है कि जो बच्चे अभी 9th में हैं या फिर 11th में हैं, आगे चलकर जब वो अगली क्लास में जाएंगे एग्जाम के बाद, तो इन टैबलेट का फायदा उन बच्चों को मिल सके। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।